भाई जल्दी से टॉवल देना, जरा ऑफिस जाना है। ना ना सागर जी, अब टॉवल पहनकर ऑफिस जाओगे तो लोग आप पर हंसेंगे। अरे मही, मैं टॉवल नहाने के लिए मांग रहा हूँ। पति देव जी, टॉवल से कोई नहाता है भला? अरे पानी से नहाते हैं। ओए मही। अच्छा ठीक है, ये लो। किससे नहाऊंगा मैं? आपने मांगा तो मैंने दिया, बाकी ये मैं आपको नहीं देने वाली थी। अच्छा, बहुत शरारती हो गई हो ना तुम। अभी बताता हूँ, रुको तुम। आओ सागर जी। रुको मही, अभी बताता हूँ। नहीं 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 नहीं। चलो भाभी आ गया। आओ। मही भाभी। ये क्या किया मही तुमने? ये तो मॉम की खास ट्रॉफी है। करेंगे सागर जी। ओह माय गॉड, ये तो डेली सोप का बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। वही, तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया है? लेकिन सागर जी, ये सब कुछ मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना। वीरा आ गई थी मेरे सामने। क्या वीरा? मैं तो अपने तान तल्ला था ना, थप थपे तल्ला था सागर भाई। आप लोग भागते भागते आए और मही भाभी मुझे तत्लाई और ये दया। मही, आई एम सो अपसेट। तुम्हें याद है जिस दिन मॉम को ये ट्रॉफी मिली थी और वो ये लेकर घर आई थी, उस दिन उनकी आंखों में कितनी चमक थी, कितनी खुश थी वो। कॉन्ग्रेट्स मॉम। बधाई हो सासू मां। मैडम, थूप 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 अभिनंदन। मॉम, ये तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रॉफी है। ये ट्रॉफी नहीं है सोनिया, ये बहुत बड़ा सम्मान है, हमारे गुजरात का गौरव है। एक महिला चीफ मिनिस्टर के हाथों एक महिला को ये ट्रॉफी मिली है। सच कहूं, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सम्मान है ये। मेरे बरसों की मेहनत और लगन रंग लाई है। मैंने सासू मां का दिल तोड़ दिया सागर जी। ये दिल नहीं, ट्रॉफी है मही, ट्रॉफी। अन्नू दी। ओ गॉड, ये ट्रॉफी किसने तोड़ी? ये तो वही ट्रॉफी है ना जो परसों अनुदी को मिली थी। अब अनुदी तो बहुत नाराज हो जाएगी। उसी बात की तो चिंता है मैडम को, पता चलेगा तो उन्हें बहुत तकलीफ हो दी। करिए लाल। तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? गॉसिप नमूने भरे हैं मेरे घर में। अच्छा कन्हैया लाल, मुझे वो जो ट्रॉफी मिली थी ना, उसके सम्मान में वो कार्यकर्ताओं ने एक पार्टी रखी है, तो वो ट्रॉफी अच्छे से साफ करके रखना, मैं परसों ले जाऊंगी। जिन जिन कार्यकर्ताओं ने देखी नहीं है उनको वो ट्रॉफी देखनी है। ओके। हेलो, हाँ, आती हूँ। सागर जी, ये तो सासू माँ के सम्मान की बात है और ये ट्रॉफी उनके लिए बहुत कीमती है, बहुत खास है। अगर उन्होंने ट्रॉफी को इस हालत में देख लिया ना, तो उनका दिल टूट जाएगा। सागर जी, हमें कैसे भी करके इस ट्रॉफी को ठीक करना ही होगा। ये क्या कर रही है? परेशान होकर इधर उधर घूमते हुए सोच रही है। हम सब सोच रहे हैं मॉम की ट्रॉफी के बारे में। ओहो, सोनिया ने तो ट्रॉफी सिर्फ फिल्मों में ही देखी है, जहाँ पर ट्रॉफी हीरो को मिलती है रेस जीतने पर। अरे सोनिया भाभी, ये फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। ही आइडिया, क्यों ना हम फिल्म वालों से ही ऐसी हूबहू एक ट्रॉफी मंगवा ले। वाव, व्हाट एन आइडिया सोनिया भाभी, है ना? वाव भाभी वाव, आप तो सच में वो निकली, वो इंटेलिजेंट। हाँ, इंटेलिजेंट। हाँ ये भाभी। हाँ, थैंक यू सो मच सोनिया खुशी।
वैसे शक तो सोनिया को भी था कि सोनिया भी इंटेलिजेंट है, मस्त। पागल भैया, मैं अभी मार्केट जाके ना ऐसी टेम टू टेम टॉफी लेते आता हूँ। रुकिए रुकिए कन्हैयालाल जी, आइडिया बहुत अच्छा आपका, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे, हम सब जाएंगे। अहमदाबाद में कई सारी शॉप्स हैं ट्रॉफीज की, नवरंगपुरा, रिलीफ रोड, सैटेलाइट रोड, हम सब अलग अलग शॉप्स में जाएंगे और ट्रॉफी ढूंढेंगे। मॉम की ट्रॉफी जैसी दूसरी ट्रॉफी मिल गई ना तो अपना काम बन जाएगा। चलो चलो हम सब चलते हैं। हाँ, चलो, चलो। नहीं नहीं भाई, तुम नहीं, मॉम आएंगी ना तो तुम मॉम को संभाल लेना, ओके? चलो चलो। अम्मे माँ, मदद करना हाँ प्लीज। अरे मही, वो सैटेलाइट वाली ट्रॉफीज की जो बड़ी दुकान थी वो दुकान ही बंद हो गई। देखते हैं शायद कन्हैया लाल जी या सोनिया भाभी को मिल जाए। लेकिन ये तो झूठ हुआ ना सागर जी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम सासू माँ को। अरे मही, तुम ही कहती हो ना कि कभी कभी किसी अपने का दिल रखने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। मही भाभी, मही भाभी, सागर भैया ये दे तो मुझे तीन तीन ट्रॉफी मिल गई। जीवता रहो वीरा, जीवता रहो। अरे क्या जीते रहो मही, देखो तो सही, इनमें से एक भी ट्रॉफी मॉम वाली ट्रॉफी से नहीं मिलती है। भाभी कुछ मिला क्या? हाँ हाँ मिला ना, रास्ते में दो भिखारी मिले थे, 20-20 रुपए भी मांग रहे थे, पर सोनिया ने मना कर दिया, मस्त है ना? भाभी भाभी, मैं ट्रॉफी की बात कर रही हूँ, वो मिली क्या? नहीं मही, वैसी ट्रॉफी तो नहीं मिली, पर वो दुकान वाला है ना, बाबूराव दुकान वाला, उसको हमने इस घर का नंबर दे दिया है, जैसे उसे ट्रॉफी मिल जाएगी वो हमें फोन कर देगा। ये अच्छा किया आपने बिंदु आंटी। लेकिन उससे कब मिलेगी ट्रॉफी? समय बीतता जा रहा है, सासू माँ कभी भी आएंगे और सीधी ट्रॉफी की बात करेंगे। मही, बेल बज रही है फोन की। फोन उठाओ। अरे क्या हो गया, बैरी हो गए हो क्या? अरे हेलो, हाँ बाबूराव ट्रॉफी शॉप, 19-20 भी चलेगा, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, किसका नंबर चाहिए आपको? मॉम मॉम, क्या बोल रहे हैं, किसका? एक मिनट। हेलो, हाँ भाई बोलो, किससे बात करनी है? मेहरा परिवार? अरे नहीं भाई, ये मेहता परिवार का नंबर है, रॉन्ग नंबर। कन्हैयालाल, ये ट्रॉफी, ये तीन तीन ट्रॉफीज किसकी है? कन्हैयालाल, अरे कोई तो बताओ। सागर, ये ट्रॉफीज क्या कर रही है? किसकी ट्रॉफीज है ये? मॉम, आपको अच्छे काम के लिए ट्रॉफी मिली ना, तो मैंने सोचा कि मेरे ऑफिस में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको भी ट्रॉफी देकर नवाजा जाए। हाँ, वो क्या होता है ना मॉम, हौसला बना रहता है, प्रेरणा मिलती है। ओह, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है, इसे बरकरार रखना। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे? सोचो। हाँ सोचो। सोचो सोचो सोचो। सोच लिया, ये ट्रॉफी अनुदी को गुजरात सरकार ने दी, बराबर? हाँ। तो क्यों ना हम उसी डिपार्टमेंट में फोन करके पूछे कि वो लोग ये ट्रॉफी मंगाते कहाँ से, है ना? करेक्ट। सागर जी, अब जल्दी से फोन कीजिए ना उसे, शुभ काम में देर कैसी? हाँ, अब मिस्टर दवे हैं शायद उस डिपार्टमेंट में, उनका नंबर मैं सीधा सचिवालय में ही फोन कर देता हूँ। बज रही घंटी, बज रही। हेलो हेलो, मिस्टर दवे,
मैं सागर मेहता बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। मिस्टर दवे, वो दो तीन दिन पहले गवर्नमेंट ने मॉम को जो ट्रॉफी दी थी वो आपने कहाँ से मंगवाई थी? वो ट्रॉफी हमने बनवाई थी, चेन्नई में एक फैक्ट्री है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था गवर्नमेंट ने। चेन्नई? इतनी दूर? चेन्नई एक्सप्रेस में जाना पड़ेगा। चेन्नई बोला सागर, चाइना नहीं। इतना क्यों चौंक गए भाई, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। मिस्टर दवे एक बात बताइए, वो ट्रॉफी आपने एक दो एक्स्ट्रा भी मंगवाई होगी ना, मतलब स्टोर रूम में या गोडाउन में कहीं एक दो एक्स्ट्रा ट्रॉफीज भी रखी होंगी ना? कैसी बात कर रहे हो सागर, और एक पीस? हम जरूरत होती है तभी मंगवाते हैं भाई, लेकिन क्यों? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, चलिए मैं रखता हूँ फोन। हाँ अरे यहां भी काम नहीं बना। ये देखो, कल के सम्मान समारोह में मैं ये साड़ी के साथ ये ज्वेलरी पहनूंगी। बहुत खूबसूरत है, आप पे बहुत अच्छी लगेगी अनुदी। हाँ मॉम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मस्त मस्त लगेगा। हाँ सागर जी, कुछ भी कीजिए लेकिन जल्दी से इस ट्रॉफी को ठीक कीजिए। आप देख रहे हो ना सासू माँ कितने खुश है, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी ट्रॉफी टूट गई है तो उनके दिल को संभालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं मही, तुम अपना दिल छोटा मत करो, हम मॉम का दिल टूटने नहीं देंगे। हाँ मही, एक आइडिया है मेरे। मॉम ये ट्रॉफी आप ये अवार्ड आपको पहली बार मिला है ना? हाँ बेटा, पहली बार किसी महिला को ये अवार्ड मिल रहा है, इसलिए इसकी ज्यादा वैल्यू है। अच्छा मॉम, आपसे पहले ये ट्रॉफी किसी को किसको मिली थी? शायद विक्रम बत्रा को। विक्रम बत्रा? क्यों, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं मॉम, बस ऐसे जनरल नॉलेज। एक सेकंड। अच्छा हाँ दवे भाई बोलो, केम छो? मजा मॉम मजा मॉम। वो अनुसया बेन, आपको ट्रॉफी दोबारा क्यों चाहिए? दोबारा नहीं तो, किसने कहा? वो तो अभी अभी आपके बेटे सागर ने फोन किया था, वो पूछ रहा था ये ट्रॉफी कहाँ बनती है। सागर ने फोन किया था? दवे भाई मैं आपको फोन करती हूँ बाद में, के? चलो आओ जाओ। सागर तुमने दवे भाई को ट्रॉफी के लिए फोन किया था? हाँ मॉम। तुम्हें ट्रॉफी की क्या जरूरत पड़ी? मॉम मैंने सोचा कि नहीं, हम सब ने सोचा कि पर सागर भैया हम सब क्या सोच रहे थे? सोचा कि वैसे ही एक और ट्रॉफी बनवा के रख लेते हैं। क्या ना मॉम, आपकी ट्रॉफी को अगर कुछ हो गया, अभी नहीं मेरा मतलब है कि आगे चल के। एक मिनट, ट्रॉफी को कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं नहीं मॉम कुछ नहीं हुआ है, मैं तो फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोच रहा था। हाँ अनुदी, हमने सोचा कि फ्यूचर में अगर ट्रॉफी को कुछ हो जाए तो ग्रैंड मॉम की अचीवमेंट को आने वाले बच्चों को कैसे पता चलेगी। हाँ हाँ बराबर बराबर। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, इस ट्रॉफी को मैं बहुत अच्छे से संभाल के रखूंगी। और सागर, एक ही ट्रॉफी दो दो बार नहीं मिलती। अरे हाँ सोनिया, मैंने तुम्हारी वो ब्यूटी पार्लर वाली लीजा की अपॉइंटमेंट ली है, अभी जा रही हूँ मैं ब्यूटी पार्लर। अच्छा ओके चलो चलो, मुझे बहुत लेट हो गया, मैं जा रही हूँ। बाय। अब क्या करेंगे? एक और आइडिया पर काम करना है हमें। क्या? विक्रम बत्रा, उसको भी अवार्ड मिला था ना, तो उसके पास भी मॉम जैसी ही ट्रॉफी होगी। हाँ। हम उससे उसकी ट्रॉफी ले लेंगे, दो दिन बाद उसको लौटा देंगे, तब तक मॉम की ट्रॉफी रिपेयर होके आ जाएगी। मस्त आइडिया है। वाह सागर जी। मांग लो, माफी मांग लो। अरे अब तो अनसुया जी के साथ आप सबको भी यकीन हो ही गया ना कि ये साल की ट्रॉफी मेरी ही थी। एक बार सच्चे दिल से माफी मांग लो। अरे बत्रा का दिल बहुत बड़ा है, तुरंत माफ कर देगा। नहीं नहीं माफी नहीं, हमने आपको जो ट्रॉफी मिली थी ना वो मांगने के लिए बुलाया है। अच्छा वो तो लेकर आए हो ना?
अरे ऐसी तो कई ट्रॉफियां जीती है मैंने, और इस साल की ट्रॉफी भी मेरी ही थी। हाँ, अब इस साल की ट्रॉफी तो अनसुया जी ने ले ली, पिछले साल की भी लेना चाहती है क्या वो? ये कैसी बात कर रहे हैं आप बत्रा जी? मॉम ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती हैं। अरे सपने में जाने की क्या जरूरत है, हकीकत में कर दिखाया है। कहाँ है, कहाँ अनसुया जी, बुलाइए, बताता हूँ उनको कि पूरे साल में मैंने क्या क्या काम किया है, और ट्रॉफी पे हक उन्होंने जमा दिया। शुक्रिया, आप जा सकते हो और आप कुछ भी बोलो, लेकिन हम जानते हैं कि सासू माँ कितनी अच्छी है, कितना अच्छा काम करती है और कितना गुना ज्यादा काम करती है। नहीं जोती तुम्हारी ट्रॉफी। अब तो एक ही तरीका है, इसी ट्रॉफी को जोड़ना होगा। कैसे? वेल्डिंग करके। ए पागल भैया, मैं एक वेल्डिंग वाले को जानता हूँ, मैं अभी उसको लेके आता हूँ। क्या तल लो आपसे, आप तो नहीं आता है, मैं सिखाता हूँ कैसे तलना होता है। अरे चुप बैठो, अरे चुप हो जाओ। एक तो इतने छोटे से काम के लिए एक वेल्डिंग करा रहे हो और ऊपर से बड़े बड़े भाषण दे रहे हो। देखिए भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, ये ट्रॉफी बहुत कीमती है। अच्छा तो तोड़ी क्यों? अरे नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं, आप अपना काम चालू रखिए। अरे मही, अगर आज मॉम की ये ट्रॉफी नहीं जुड़ी ना, तो तुम समझ रही हो ना क्या होगा। हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ, कहाँ हो तुम? हाँ बस अभी आया, अब मैं जरा जाके आऊँ। कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर में जाके आता हूँ, क्या है ना, एक पार्टी से पेमेंट लेना बाकी था तो लेके आता हूँ, ठीक है? हाँ साहब, हाँ कहाँ हो? हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे, अरे भैया सुनो तो, भैया सुनो, रुको। हे भगवान। हाँ किधर हो? हाँ नहीं नहीं, मैं पहुंच जाऊँ ना वहाँ पे। नहीं आप उधर ही खड़े रहिए। एक मिनट, कौन है आप? मैं वेल्डिंग वाला मैडम। लेकिन मेरे घर में क्या कर रहे थे? वो उनकी कोई इम्पोर्टेंट ट्रॉफी कुछ टूट गई थी, लेकिन आप टेंशन मत लो, वो वेल्डिंग काम मैं कर दूंगा। हाँ आप टेंशन मत लो। हाँ भाई किधर है? हाँ ये कौन सी ट्रॉफी को वेल्डिंग करने आए थे? वो ऑफिस के लिए जो मैंने दो तीन ट्रॉफीज मंगवाई थी ना मॉम, उनमें से एक थोड़ी सी टूट गई थी, वो उसी के लिए। ओके, गुड गुड। अरे मही, नहीं करो मही, तुम्हें चोट लग जाएगी। मही छोड़ दो। नहीं नहीं मासी, मुझे करना ही होगा। मही ये तुम क्या कर रही हो? वेल्डिंग। तुम्हें आता है वेल्डिंग करना? वो सागर जी, मैंने हमारे गांव में ना असलम चाचा वेल्डिंग किया करते थे, तो मैंने कई बार उन्हें देखा है। मही तुम छोड़ो, लाओ मुझे दो, मैं करता हूँ, लाओ। नहीं नहीं सागर जी, आप बाहर जाइए ना, वरना सासू माँ को शक हो जाएगा। अब बाहर संभालिए, बाहर संभालिए। हाँ ओके, लेकिन तुम संभालना। हाँ हाँ हाँ। मही बी केयरफुल। कन्यालाल वो ट्रॉफी लेके आना। अरे वो ट्रॉफी मैं अभी रख देती हूँ, वरना कल घर हड़बड़ाहट में मैं भूल जाऊंगी। वो ट्रॉफी ये नहीं ला पाएंगे मॉम। क्यों? अरे वो तो मैंने केस बनवाने के लिए भेज दी ना। अच्छा मही, आप रे भगवान। मही मही, क्या हुआ? मही मही बैठो 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 बैठो, वो बाद में करेंगे, तुम बैठो पहले। ओह माय गॉड मही, तुम्हें तो कितना लग गया है। माय गॉड बिंदु जी, जल्दी से जल्दी से। ओह माय गॉड मही, तुम्हें तो बहुत लगा है। मना किया था ना मही, लग गई ना चोट। एनीवेज मही, हम मॉम को कह देते हैं ये ट्रॉफी हमसे ठीक नहीं होगी। अगर सासू माँ को सच्चाई पता चल गई तो उनके दिल को बहुत दर्द होगा। पर मही ये तुम्हारा दर्द, ये दर्द तो सबको दिखाई देगा, लेकिन वो दर्द किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को क्यों मही, अनुदी के दिल का दर्द तुम्हें तो समझ में आ रहा है ना। कल का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है सागर,
जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी प्रयास किया, उसको कल ज्यादा सम्मान मिलेगा जब मेरी उपलब्धियां मेरे लोगों को इंस्पायर करेगी। हाँ हाँ अनुदी, हम लोग सब भी आपके लिए बहुत खुश हैं। मॉम, कल का दिन तो हम सब के लिए गर्व का दिन है। अरे लेकिन जिसकी वजह से मुझे और हमारे परिवार को गर्व मिला है वो है कहाँ? मेरी ट्रॉफी कहाँ है? यहाँ सासू माँ। ये लीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ। हे भगवान, ये कैसे हुआ मही? वो दरअसल सासू माँ, आज सुबह मेरी ही गलती से आपकी ट्रॉफी गिर गई थी और टूट गई थी, तो मैंने खुद वेल्डिंग करके इसे जोड़ने की कोशिश की, वरना तो टूटी हुई ट्रॉफी देखकर आपका दिल टूट जाता ना। और तुम्हारी हथेली को इतना कुछ लगा, उसको देख के मेरा दिल टूटेगा ये नहीं सोचा तुमने? सासू माँ। हाँ मैं, मेरी ट्रॉफी तो तुम हो, तुम सब, मेरा पूरा परिवार। अरे इससे बड़ा अवार्ड कभी मुझे मिल सकता है भला? सरकार ने तो मुझे ये धातु की ट्रॉफी देकर सम्मान दिया, लेकिन इतना खूबसूरत परिवार जो भगवान ने मुझे दिया है, उसके आगे तो ये धातु की ट्रॉफी कुछ भी नहीं है। और मेरी इस ट्रॉफी को नुकसान पहुंचा के तू ये ट्रॉफी जोड़ने चली थी? सुमा। हाँ मही, परिवार का प्यार नहीं टूटना चाहिए, ये सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है।